सभी छोटे बड़े भाई बहन और दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं एक खूबसूरत से एहसास की, एक पिता और एक पुत्र। पिता और पुत्र के बीच में बातचीत का संवाद है वो बहुत कम होता है। एक पिता एक पुत्र के प्रति हमेशा एक ऐसा एक कड़ा स्वभाव शो करते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो पुत्र से भी बहुत प्यार करते हैं जितना पिता एक पुत्री को चाहता है, लेकिन वो कभी कह नहीं पाते हैं। पिता एक पुत्र को वो सारे एहसास नहीं बता पाता है जो उसके लिए फील करता है, और एक पुत्र भी अपने पिता को बेइंतहा प्यार करता है जितना वो अपनी माँ को करता है, लेकिन माँ के सामने वो अपनी सारी बातें बता देता है लेकिन पिता को नहीं बता पाता। तो आज ऐसे ही पिता और पुत्र के संवाद के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक सीनरी बनाई है। पहले मैं आपको तीन चार चीज़ें बता दूँ कि ये दूध है जो गर्म है, इसके ऊपर मलाई आ रही है, इसके ऊपर पानी के दो छींटे हैं, माँ हैं ये, पिता हैं और ये उनकी संतान हैं, उनका बेटा है। तो देखते हैं वो संवाद क्या कहते हैं। मैं दूध हूँ तुम मलाई हो, मैं दूध हूँ तुम मलाई हो, ये सच तुम्हें मालूम तो हो। मैं उफनता हूँ पर उफ तक नहीं करता, मैं उफनता हूँ पर उफ तक नहीं करता, जब आँच पर बर्तन में ज्वालामुखी सा खोलता। पानी की बौछार का भी एहसान बनता है तुम पर, पानी की बौछार का भी एहसान बनता है तुम पर, क्योंकि बाहर नहीं आने देती वो तुम्हें, क्योंकि वो बाहर नहीं आने देती तुम्हें, ये सच तुम्हें मालूम तो हो। मैं दूध नहीं हूँ तुम मलाई नहीं हो, मैं दूध नहीं हूँ तुम मलाई नहीं हो, मैं पिता हूँ दो बूंद पानी के संग तुम हमारी संतान हो। मैं दूध नहीं हूँ तुम मलाई नहीं हो, दो बूंद पानी के संग तुम हमारी संतान हो। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। दरअसल हमारा परिवार होता है वो एक दूध के बर्तन की तरह होता है। दूध होते हैं वो पिता होते हैं जो आँच को सहते हैं, गर्म होते हैं, उबलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मलाई आती है, वो संतान होती है। और एक पिता कभी नहीं चाहते कि मैं इतना ज़्यादा उफान या इतना ज़्यादा गुस्सा कर लूँ कि मलाई बाहर गिर जाए, यानी संतान को कोई हानि हो। तो मलाई बाहर नहीं आए तो गांव में एक तरीका होता है, जब दूध उफनने लगे तो उसमें पानी के छींटे मारने होते हैं। यानी पिता को जब अत्यधिक गुस्सा आता है और वो संतान को अगर गुस्से में बात करे तो उस टाइम उसे कौन रोकता है? माँ रोकती है। इसलिए दो बूंद पानी के छींटे, माँ थोड़ी सी झिड़की देती है कि मेरे बेटे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है या मेरी संतान को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बेटा बेटी दोनों ही शामिल हो सकते हैं। पिता की डांट जब पड़ती है तो माँ रोकती है, वो पानी का काम करती है। इसलिए दूध उफनता हुआ और वो चाहता नहीं कि गुस्से से उबले और मलाई गिर जाए, रोकता कौन है? माँ। तो ये हमारे खूबसूरत से एहसास होते हैं, परिवार को हम इससे जोड़ सकते हैं। आप और आपका परिवार हमेशा सुख समृद्ध और खुशहाल रहे। मिलते हैं ऐसी किसी खूबसूरत से एहसास के साथ। मैं अरुण चाहर, थैंक यू। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि एक पिता और पुत्र के बीच में ये जो खूबसूरत सा एहसास है ये कभी बयां नहीं किया गया। माँ के बारे में बहुत लिखा गया है, लिखा गया भी है और भी लिखा जाना है, लेकिन कभी पूर्णतया से लिखा नहीं जाएगा। लेकिन पिता के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बयां करना ही मुश्किल है तो लिखना तो दूर की बात है। मैंने इसमें कोशिश की है। आप भी कोई खूबसूरत एहसास या पंक्तियाँ हैं तो कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। थैंक यू।